विद्यार्थियों, व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था पद परिचय, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पद परिचय, जैसा कि आप जानते हो, वाक्य में उपस्थित शब्द कहलाता है पद, और उसका परिचय देना कहलाता है पद परिचय। हम इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम पदों का परिचय कैसे दिया जाता है ये सीख चुके हैं। अब हम विशेषण पद का परिचय कैसे दिया जाता है ये जानेंगे, जिसके लिए हमें विशेषण व उसके भेदों के बारे में जानना होगा। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब उदाहरण देखिए, वह बालक चतुर है। अब यहाँ पर जो बालक की क्या विशेषता बताई जा रही है, चतुर, तो ये चतुर क्या कहलाएगा, विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, बालक की, तो बालक क्या कहलाएगा, विशेष्य, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाती है वह कहलाती है विशेषण। अब हम विशेषण के भेदों के बारे में जानेंगे। विशेषण के कुल चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, आकार, गंध, दशा, अवस्था या काल का बोध कराएं, वे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर देखिए, गुण, गुण मतलब अच्छा, ईमानदार, परिश्रमी, दोष, दोष यानी बुरा, झूठा, बेईमान, रंग काला, नीला, हरा, आकार छोटा, बड़ा, गोल, गंध जैसे सुगंधित, खुशबूदार, दुर्गंधपूर्ण, दशा नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार, अवस्था, अवस्था मतलब युवा, बूढ़ा, अधेड़, काल, काल यानी आधुनिक, प्राचीन, ऐतिहासिक इत्यादि। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उदाहरण देखते हैं, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि काला ये क्या बता रहा है, घोड़े का रंग, मतलब ये काला शब्द ये क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण, और घोड़ा यहाँ पर क्या होगा, विशेष्य। अब हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ पर देखिए कि उदाहरण, मेज पर 5 सेब रखे हुए हैं। अब यहाँ पर 5 ये क्या बता रहा है, संख्या, जो कैसी है, निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि वो 5 पर्टिकुलर जो संख्या बता रहा है, तो ये होगा 5 काय के अंतर्गत आएगा, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। अब ऐसे ही यहाँ पर यदि 5 की जगह होता कुछ, तो ये कुछ क्या कहलाता, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो संज्ञा सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता बताएं वो कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसे उदाहरण देखिए, मैंने आज बाजार से 2 क्विंटल गेहूं खरीदे। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 2 क्विंटल ये क्या बता रहा है, मापतोल संबंधी विशेषता, इसलिए ये क्या होगा, 2 क्विंटल ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। अब हम अगले विशेषण के बारे में जानेंगे, सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम, वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब उदाहरण देखिए, यह
यह किताब उठा दो। अब यहाँ पर यह शब्द है वो वास्तव में क्या है? सर्वनाम। परंतु वह किसकी विशेषता बता रहा है? किताब की। इसलिए वह सर्वनाम होने के बावजूद भी वो क्या होगा? विशेषण। और यह कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण पद के परिचय के लिए आवश्यक पहलुओं के बारे में जानेंगे। अब यदि विशेषण पद होता है तो उसके लिए जो परिचय के लिए, पद परिचय के लिए जो आवश्यक पहलू होते हैं वो होते हैं भेद, लिंग, वचन और विशेष्य। अब उदाहरण देखिए, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। अब हमें यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है सुंदर, उसका पद परिचय देना है। तो यहाँ पर देखिए सुंदर, तो सुंदर जब हमने देखा कि इसमें पहला पहलू क्या होता है? भेद। तो सुंदर ये विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण। अब लिंग, तो इसका लिंग क्या होगा? पुल्लिंग। और वचन, तो वचन क्या होगा? खिले हैं। अब ये देखिए क्रिया में हम देख रहे हैं खिले हैं, अर्थात यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। और विशेष्य, अब ये सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की। तो यहाँ पर फूल क्या होगा? विशेष्य। तो इस प्रकार इसका पद परिचय होगा सुंदर का गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन और फूल विशेष्य। इस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत हमने विशेषण पदों के परिचय के बारे में सीखा। आपको क्या करना है? आपको यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है और इसके अंतर्गत आपको जो है विशेषण, उसके भेद और उसका परिचय कैसे दिया जाता है, ये सारा आपको, इसके नोट्स आपको व्याकरण की नोटबुक में लिखना है और उसको पढ़ना है। मैं इस पर आधारित प्रश्न फिर आपसे पूछूंगी। धन्यवाद।